हेलो फ्रेंड्स, आई एम डॉक्टर सतकला। हाउ आर यू ऑल? आवर टुडेज टॉपिक इज द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट, इट इज़ अ ड्रामा इन फाइव एक्ट्स बाय विलियम शेक्सपियर। इट वॉज फर्स्ट रिटन एंड परफॉर्म्ड 1611, बट इट वॉज पब्लिश्ड इन विलियम शेक्सपियरस फर्स्ट फोलियो इन 1623। It was performed in 1611, but it was published in 1623 in William Shakespeare's first folio. Here in this lecture, I will explain about the characters and its summary and some other facts also. If we talking about its characters, Prospero. Prospero, who is the protagonist of the play, and who was the Duke of Milan as well as father of Miranda. Antonio, who is the Prospero's brother and who disinherited to Prospero from the Duke of Milan to make plan with Alonso, who was the King of Nepal. Miranda, who is the daughter of Prospero. Ariel, here is the spirit helper to Prospero. Caliban, servant to Prospero. Ferdinand, son and heir of Alonso. Sebastian, Alonso's brother. Gonzalo, an old honest lord of Prospero and who supplies each and everything when he was banished by Antonio and Prospero, lived 12 years on an island. At the time, Gonzalo supplies each and everything like magic book of Prospero and food supply. Trinculo, Stefano, they are the members of the shipwreck party. So these are the main characters of this drama, Prospero. Prospero, here is the Duke of Milan, whose daughter is Miranda. Antonio, whose brother Ariel and Caliban, they are two servants. Caliban, who is a servant, Ariel, who is the magic, chief magic agent. On the other side, Alonso, who is the king of Nepal, and Alonso's son Ferdinand, and Alonso's brother Sebastian. Alonso, who helped to Antonio to get the kingdom, dukedom of Milan to Prospero. यहाँ पे प्रोस्प्रो होता है, उसका भाई एंटोनियो है, उसकी एक बेटी है मिरेंडा। एंटोनियो जो है प्रोस्प्रो को धोखे से अलोंसो किंग, नेपाल के किंग के साथ में मिल करके प्रोस्प्रो को जो है बैनिश कर देता है उसकी बेटी के साथ में। प्रोस्प्रो और मिरेंडा जो है 12 साल तक आइलैंड के ऊपर रहते हैं, जीवन व्यतीत करते हैं। उधर फर्डिनांड जो है वो मिरेंडा को फर्स्ट टाइम देखता आइलैंड। ऑन द अदर साइड अलोंसो और सबस्टेनियन, फर्डिनांड, एंटोनियो, ये सब जो है अलोंसो की जो डॉटर होती है उसकी कैरिवल, उसकी शादी करके और ये वापस इटली लौट रहे होते हैं। उसी टाइम उनकी सीप फर्क हो जाती है और वहाँ फर्डिनांड जो मिरेंडा से मिलता है और फर्स्ट टाइम में ही उसको मिरेंडा से लव हो जाता है और उसके बाद शादी भी होती है। तो आई विल एक्सप्लेन ईच एंड एवरी पॉइंट। लेट अस स्टार्ट द टेम्पेस्ट। When the Tempest story start, it is a play about magic. Here is the magic also, betrayal also, love also and forgiveness. All these are the main theme of the of this play drama, magic, betrayal, love and forgiveness. When the play start, it is a storm. Storm strikes a ship. स्ट्रॉम होता है जो शिप को स्ट्राइक करता है। उस शिप के अंदर कौन कौन होते हैं? अलोंसो, फर्डिनांड, सबस्टिनियन, एंटोनियो और गोंजालो, सेपनो एंड ट्रिंकलो, ये जो दो बॉय होते हैं ये सब होते हैं। हु आर ऑन देयर वे टू इटली आफ्टर कमिंग फ्रॉम द वेडिंग ऑफ अलोंसोस डॉटर क्लैरिबल। क्लैरिबल के शादी करके वो वापस लौट रहे होते हैं उस टाइम जो है, और दे आर अरेंजिंग अ रॉयल पार्टी एंड द अदर मारिनर्स आर ऑल्सो देर।
ऑन द नेक्स्ट सीन, इसमें फर्स्ट सीन में क्या दिखाया गया है, एक शिप जो है उसका वर्क हो जाता है, शिप वर्क हो जाता है, मतलब शिप जो है एक तूफान आता है और उसके वजह से वो सारे के सारे, और उस दौरान जो है फर्डिनांड इनसे अलग हो जाता है। नेक्स्ट जो सीन है वहाँ पे कौन है, नेक्स्ट सीन में बिगिंस मच उसमें मिरेंडा एंड प्रोस्परो दे आर स्टैंडिंग ऑन द शोर ऑफ देयर आइलैंड, वो अपने आइलैंड के ऊपर शोर पे मिरेंडा और प्रोस्परो वो बैनिश कर दिए जाते हैं एंटोनियो के द्वारा और वो वहाँ पे खड़े हैं। मिरेंडा देवोस बोथ फादर एंड डॉटर देवर वॉचिंग द रिसेंट शिप वर्क। मिरेंडा आस्क टू हर फादर टू डू एनीथिंग टू सेव ऑल दिस पीपल बट प्रोस्परो अश्योर हर वट वी आर एट द प्रजेंट टाइम We are only and only due to Antonio. वो कहता है कि Antonio की वजह से ही हम ये सब हमारी कंडीशन है हम नहीं। और उस टाइम जो है Miranda एक स्टोरी सुना रही होती है, कहानी सुना रही होती है अपने फादर को, तो वो कहता है अब अपनी कहानी जो है वो उसको कंटिन्यू रखिए। उसी दौरान जो है स्टोरी गोज दैट Prospero वॉज द ड्यू ऑफ मिलन अंटिल हिज ब्रदर Antonio कंस्पायरिंग विद Alonso द किंग ऑफ नेपाल्स अपसर्ड हिज पोजिशन, किसकी पोजिशन को अपसर्ड कर देता है Prospero की। और उसके बाद यहाँ पे जो है Prospero और उसको डॉटर को सर्वाइव रखने का काम कौन कर रहा है, Gonzalo जो वहाँ पे दूसरी साइड में है। वो Antonio को ये शो अप करता है कि वो उसके साथ है लेकिन वो छुप करके सीक्रेटली वो पूरे सप्लाई करता रहता है, और यहाँ तक कि Prospero की जो बुक्स है मैजिक जो बुक है वो भी उसको देता रहता है। उसके बाद यहाँ पे एक एरियल होता है, एरियल जो एक मैजिक होता है, चीफ ऑफ द मैजिक यहाँ पे होता है। तो वो क्या करता है, चीफ मैजिक एजेंट होता है Prospero जो एरियल के साथ में डिस्कशन कर रहा है, रिवील्स दैट एरियल ब्रोट द टेम्पस्ट। टेम्पस्ट मीन्स, टेम्पस्ट का मतलब क्या होता है, तूफान। टेम्पस्ट का मीनिंग तूफान। तो वो एरियल के साथ में जो मैजिक मास्टर है उसके साथ में मिल करके प्लान कर रहे हैं शिप को सेट फायर टू द मस्ट, वो वहाँ पे तूफान लाने की और खुद जो है सेफली आइलैंड के ऊपर जाने की बात करते हैं। तो इस प्रकार से वो सक्सेस भी हो जाता है इस टाइम में। उस दौरान जो है एक बार एरियल जो है एक विच के द्वारा, एक विच जो है उसको किडनैप कर लेती है और उसको बांध देती है, उसका नाम होता है साइरोक्स। साइरोक्स जो इम्प्रिजन कर लेती है एरियल को ट्री में और फिर वो खुद जो है वो मर जाती है। वहाँ से Prospero जो है अराइव देयर एंड फ्री एरियल फ्रॉम द कैप्चर ऑफ साइरोक्स। आफ्टर दैट एरियल अश्योर्स Prospero दैट ही नोज हिज प्लेस एंड एवरीथिंग, और वो उसको अश्योर करता है। उधर जो है मिरेंडा जो है वो सो रही होती है, उसको ये सब पता नहीं होता। Prospero जो है और मिरेंडा वहाँ पे Ferdinand जो है उसको प्रेजेंट करता है कौन, एरियल अपनी मैजिक से अपने उसे इमिडिएटली जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट करता है। और मिरेंडा क्या देखती है कि वो सिर्फ और सिर्फ Ferdinand को ही देख पा रही है, अपने फादर Prospero को उन सबको नहीं देख पा रही है। और जो मिरेंडा है वो जो Prospero से काफ़ी एक दूसरे से लव जो है इस टाइप का लव इंट्रैक्शन होता है दोनों के बीच में, और ये सब देख करके Prospero बहुत खुश होता है और वो चाहता है कि एरियल को बोलता है ऐसा सब जो है अरेंज करने के लिए, ताकि जो है Ferdinand की और मिरेंडा की जो है शादी हो सके। इस प्रकार से ऑन द अदर पार्ट ऑफ द आइलैंड, दूसरी साइड Alonso, Sebastian, Antonio, Gonzalo ये सब जो हैं थिंक करते हैं गॉड को कि वो सेफ हैं, बट दे आर सो मच वेरी अबाउट द Ferdinand एंड हिज फेट, कि Ferdinand को क्या हुआ होगा। वो सब यही सोच रहे हैं, मे बी Ferdinand हैज़ डाइड और ही वॉज फ्लीड अवे इन द स्टॉर्म इन द टेम्पेस्ट। वो यही सोच रहे हैं कि वो टेम्पेस्ट में शायद हो गया। उधर जो है Alonso विश करता है, सोचता है कि कहीं ना कहीं उसका बेटा जो है वो बच गया हो या फिर मर गया, तो वो इस शादी की वजह से, इस सब की वजह से जो है उसका जो बेटा है वो यहाँ पे मारा गया है, वो सब उसके बारे में है। उधर जब वो सो रहे होते हैं तो Antonio जो है, Antonio और जो Sebastian, Antonio जो है अभी मिलन का जो किंग है अभी ड्यू है, और Sebastian जो है वो कौन है, Alonso का ब्रदर है Sebastian, तो वो Sebastian को उकसाता है Antonio को मारने के लिए कि तुम Alonso को मारने के लिए कि तुम Alonso को अगर मार दोगे तो तुम क्या हो जाओगे, तुम खुद जो है किंग ऑफ नेपाल, किंग के तुम नेपाल बन जाओगे। इस प्रकार से वो हटाता है। उधर दूसरी साइड जो है मिरेंडा जो है वो
प्रपोज करती है इसको फर्डिनांड को, और फर्डिनांड जो है एग्री हो जाता है और वो उससे शादी कर लेता है। इधर मिरांडा जो है वो शादी कर लेती है। प्रोस्परो यूज एरियल टू ब्रिंग अलोंसो एंड द अदर्स बिफोर हिम। उधर जो है कुछ सिफर्क जो बॉय हैं वो प्लान बना रहे हैं, दे आर मेकिंग प्लान, किसके अगेंस्ट प्लान बना रहे हैं, प्रोस्परो को मारने के, और आइलैंड के ऊपर जो है वो खुद उसमें करेंगे। वो सोच रहे हैं कि हम इसको प्रोस्परो को मार करके वी विल रूल देयर ऑन दैट आइलैंड आफ्टर दैट, है ना। प्रोस्परो जो है और मिरांडा की जो है शादी हो जाती है, तो प्रोस्परो वेलकम टू फर्डिनांड इन हिज फैमिली लाइक द एज अ हस्बैंड ऑफ मिरांडा, बहुत ही उसका वेलकम करते हैं। एंड ही सेज एरियल टू परजेंट दिस टाइप ऑफ सो मेनी परजेंट सियमर डांस एंड ऑल दिस थिंग्स म्यूजिक, तो इस टाइप का जो है म्यूजिक वगैरह डांस वगैरह ये सब चीज़ें जो है वो परजेंट करता है वहाँ पे। उधर जो प्रोस्परो यूजेस एरियल, एरियल को बोलता है टू ब्रिंग अलोंसो एंड द अदर्स बिफोर हिम, जो भी अन्य जो हैं उन सबको उनके सामने लाने के लिए वो बोलता है कि इन सबको मेरे सामने लेके आओ। व्हेन दे प्रोस्परो अलोंसो सेज टू प्रोस्परो दैट ही लॉस्ट हिज सन इन दैट टेम्पेस्ट। ऑन द अदर साइड प्रोस्परो आल्सो सेज दैट यस आई आल्सो लॉस्ट माई डॉटर इन द टेम्पेस्ट। वो कहता है मैं भी टेम्पेस्ट में अपनी डॉटर को खो दिया। अलोंसो कहता है कि मैंने फर्डिनांड अपने सन को। एट द सेम टाइम एरियल जो वहाँ पे आता है और कर्टेन को हटाता है। व्हाट दिसा दैट फर्डिनांड एंड मिरांडा बोथ दे वर प्लेइंग चेस, वो चेस खेल रहे होते हैं। एंड आफ्टर दैट फर्डिनांड टेल टू हिज फादर अबाउट हिज मैरी विद मिरांडा एंड दे ऑल हैप्पी। After that, Prospero invites Alonso and the others to stay for the night so that he can tell them the tale of his last 5 years on the life of island. Island के ऊपर मैंने 12 साल बिताए उसके बारे में बताऊंगा। After this, the group plans to return to Italy. Plan जो group है वो क्या करता है वहाँ पे Italy में जाने की सोचता है। प्रोस्परो गिव्स एरियल वन फाइनल टास्क। अब एरियल ने बहुत ज़्यादा हेल्प की है हरमें टेम्पेस्ट लाने के लिए, फर्डिनांड को वहाँ प्रेजेंट करने, सभी को यहाँ पे प्रेजेंट करने में बहुत हेल्प की है। अभी लास्ट जो है प्रोस्परो एक हेल्प और मांगता है। अभी प्रोस्परो जो है उसको डुगडैम जो है दोबारा से मिल गया है, उसके जो राज्य है वो दोबारा से मिल जाता है। प्रोस्परो गिव्स एरियल वन फाइनल टास्क, और वो टास्क क्या है, टू मेक द सी काम, कि मैंने बहुत तूफान तुमसे टेम्पेस्ट करवाए हैं इसके अंदर सी के अंदर, जब हम अपनी वोवेज लेकर के हम जाएंगे तो उस टाइम यू मेक द सी काम, दिस इज़ योर फाइनल एंड वन लास्ट टास्क। नाउ प्रोस्परो डिलीवर्स फाइनल स्पीच। अब जो है लास्ट में फाइनल स्पीच देता है, और वो फाइनल स्पीच को किसके लिए होता है, इट इज़ फॉर द ऑडियंस आस्किंग देम टू फॉरगिव हिम फॉर हिज रॉन्ग डूइंग। वो कहता है कि मैंने जो कुछ भी रॉन्ग किया है, मैंने जो कुछ भी गलत किया है, उस सब के लिए मुझे क्या कर दो, मुझे रॉन्ग डूइंग जो भी किया उसके लिए प्लीज़ मुझे फॉरगिव कर दो एंड सेट हिम फ्री बाय फ्लोटिंग। और वो कहता है कि मुझे फ्री कर दो, माफ़ करके मुझे इन सब से फ्री कर दो। दिस इज़ द स्टोरी ऑफ द टेम्पेस्ट, इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग ड्रामा, हेयर इज़ द लव बिट्रेयल एंड ऑल दिस थिंग्स बैनिशमेंट एंड इन द लास्ट इट इज़ द हैप्पी एंडिंग। एंड वी सी मोस्ट ऑफ द प्ले बाय विलियम शेक्सपियर देयर इज़ द हैप्पी एंडिंग। दिस इज ऑल अबाउट द टेम्पेस्ट। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स।